वीडियो के टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि फाइनली आपका जो भाई का चैनल है, आप लोग की प्यार और आशीर्वाद की वजह से सफलता पूर्वक मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका है। और ये सारा श्रेय दोस्त आप लोग को ही जाता है, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं दिखाए होते हैं तो आज ये भाई यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप लोग को दिल से धन्यवाद। इसी तरह से इस भाई को आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा यूट्यूब पे कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इसलिए आप इस भाई पे प्यार बनाए रखिएगा। तब चलिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ तक हमें पहुंचने में आखिरकार कितना समय लगा, क्योंकि बहुत सारे जो नए क्रिएटर होते हैं वो जानना चाहते हैं कि चैनल को मोनेटाइजेशन को ऑन कराने में कितना समय लग सकता है, ठीक है ना। हालांकि ये पहले भी हो जाता है, लेकिन दोस्त काफी समय लगा, लेकिन हम भी थोड़ा जिद्दी किस्म का इंसान है, ठीक है ना। हमने भी सोच लिया था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मतलब कि बिहारी में एक लाइनिंग है, आपने फिल्म देखे होंगे द माउंटेन मैन, ठीक है ना, बिहार का एक फिल्म है। तो उसमें दोस्त एक पत्थर का तोड़ने वाला कहानी है। अगर आप उस फिल्म को नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, द माउंटेन मैन, आपको फिल्म मिल जाएगा, ठीक है ना। एक तरह से वो मोटिवेशन और बिहार से ही है। तो हमने भी उस टाइटल को अच्छी तरह से समझ लेते हैं और अपने आप में ढाल लेते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इस चैनल को दोस्त हमने 10 जनवरी 2020 को बनाए थे, ठीक है ना। चैनल बनाने के तुरंत बाद ही अपने चैनल पे एक्टिव हो गए थे, वीडियो डालना शुरू कर दिए थे, ठीक है। इसमें हमने इंटर का एग्जाम दे चुके थे, 2019 में हमने इंटर को पास कर लिए थे और बीए में हमने एडमिशन ले लिए थे। पैसा का थोड़ा अभाव था तो आर्ट्स ले लिए थे। उसके बाद हमने पढ़ाई भी जारी रखा, प्लस में यूट्यूब को भी पार्ट टाइम करते गए, ठीक है ना। और अभी भी YouTube को हम पार्ट टाइम ही कर रहे हैं, ठीक है। तो पार्ट टाइम करते गए और कुछ वीडियो हमारा चला, लेकिन हमारा वॉच टाइम पहले कंप्लीट हो चुका था, लेकिन हम लगातार काम नहीं किए, जिस वजह से हमारा जो पिछला वॉच टाइम था वो कमते जा रहा था और आगे वाला बढ़ रहा था। इस तरह से हमारे साथ बहुत सारे समस्या होते रहे, ठीक है ना। फिर भी हमने हार नहीं माना, लगातार काम करते गए और आप लोग का प्यार और सपोर्ट मिलते गए और फाइनली जो पिछला वीडियो हमारे जाके देखेंगे, कुछ वीडियो को अच्छे खासे व्यूज आए, अच्छे खासे वॉच टाइम है, और जिस वजह से जो हमारा वॉच टाइम की क्राइटेरिया थी कंप्लीट हम कर लिए। सब्सक्राइबर तो लगभग दोस्त हमने 1 से 1.5 साल में कंप्लीट 1 के किए थे, लेकिन हमने हार नहीं माना, ठीक है ना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे 6 महीने में 1,000 सब्सक्राइबर नहीं हुआ और वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, डीमोटिवेट होते हैं, ठीक है। तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, ये भाई आपके लिए खुद एक मोटिवेशनल है आपके लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं 2.5 साल से भी ज्यादा हो चुका है चैनल पे काम करते हुए, फिर भी हमने हार नहीं माना। जिस समय में टाइम मिला हम यूट्यूब पे वीडियो को अपलोड किए, ठीक है ना। आप भी अगर हमारे पुराने सब्सक्राइबर है तो आपको पता होगा कि इस चैनल पे कोई भी टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन वीडियो आता है, ठीक है ना। वीडियो को अभी कभी होता है कि हम 3-3 वीडियो भी अपने चैनल पे डाल देते हैं, जिस दिन हमें समय मिल जाता है वीडियो को हम डाल ही देते हैं, ठीक है ना। यूट्यूब को भी हम पार्ट टाइम ही ले रहे हैं और हम आपको यही कहेंगे कि यूट्यूब को आप पार्ट टाइम ही लीजिए और अच्छी तरह से काम कीजिए, क्योंकि कंपटीशन दोस्त यहाँ पे हाई हो चुका है। थोड़ा सा आपको एडवांस दिमाग लगाना होगा, थोड़ा आपको थंबनेल पे दाव पेज खेलना होगा, क्योंकि बड़े बड़े क्रिएटर का वीडियो देखते हैं, थोड़ा उनका दाव पेज देखिए, थंबनेल का डिजाइन देखिए, थंबनेल बनाने का स्टाइल देखिए, वहां पे कुछ लिखा हुआ रहता है उसे समझिए, उसका दोस्त पक्का है कि आपका भी चैनल ग्रो होगा, ठीक है ना। इस तरह से हमारा लगभग 2 से 2.5 साल मतलब लग चुका है, 2.5 साल प्लस हो चुका है, और ये जो 10 जनवरी 2023 आएगा तो 3 साल हमारा इस चैनल को कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारी कहानी रही करते हैं कि जब चैनल को हमने मोनेटाइजेशन में भेजा तो कितने समय में मोनेटाइजेशन ऑन होके आ गया, ठीक है ना। तो भी बहुत सारे क्रिएटर जानना चाह रहे होंगे। तो चैनल को मोनेटाइजेशन में दोस्त आज से हम लगभग 8 दिन पहले ही भेज दिए थे, ठीक है ना। और ये जो चैनल है हमारा 2 तारीख के मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका था, 2 तारीख के हमारा जो चैनल था सफलता पूर्वक मोनेटाइजेशन ऑन होके आ चुका था। तो लगभग दोस्त देखिए हमारे चैनल को मोनेटाइजेशन ऑन होने में 6 दिन का समय लग गया, ठीक है ना। उसके बीच हमने कुछ भाइयों से कॉन्टेक्ट भी किए, जो 5वां दिन तक कुछ भी यूट्यूब की तरफ से रिप्लाई नहीं आया, तो एक हमारे जो मित्र है टेक क्रैक उनसे भी कॉन्टेक्ट किए, और एक हमारा जो भाई है वरुण लोहार, वरुण नाम से चैनल है, ठीक है ना। तो दोनों भाइयों से इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट किए और वहां पे अपना समस्या को बताया कि भैया हम 4-5 दिन से परेशान है, अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेज दिए हैं और वहां पर जो हमारा चैनल है इन प्रोग्रेसेस में आके फंस चुका है, वहां पर हमारा चैनल है जो मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हुआ है। तो भाई लोगों ने वहां पे बताया कि देखिए आप वेट कीजिए, अगर आपका खुद का कंटेंट है तो बिल्कुल आपका जो चैनल है मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा। तो वहाँ पे वरुण भाई थे वो भी बताए कि आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा। दोनों भाई वहाँ पे हमें मतलब की सपोर्ट किए और बताए कि आप वेट कीजिए, आपका चैनल जो है मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। और बात किया उसके मतलब की 2 दिन बाद ही दोस्त हमारा जो चैनल था सफलता पूर्वक मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका था। जब हम वहाँ पे 10 बजे अपने यूट्यूब को YTS स्टूडियो को खोले और वीडियो को देखें तो वीडियो के साइड में वहाँ पे डॉलर वाला आइकन शो कर रहा था। तो हम सोचे कि इस तरह से कैसे हो गया, YTS स्टूडियो में नया अपडेट आ गया का पता नहीं था, क्योंकि फर्स्ट बार चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजे थे। तो फिर हम यहाँ पे जीमेल को अपना खोले, जो पे मेल आता है यूट्यूब का, वहाँ पे गए और लॉगिन करके देखें। तो जैसे वहाँ पे देखें तो यूट्यूब की तरफ से कुछ इस तरह से मेल आया हुआ था, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हम समझ गए कि अपना चैनल जो है सफलतापूर्वक मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका है। उसका दोस्त हम अपने वीडियो पे कुछ सेटिंग्स सही कर लिए, उसके बाद जो गूगल एडसेंस अकाउंट होता है उसमें कुछ सेटिंग्स कर लिए, उसका तो फाइनली जो अपने वीडियो पे है एड को हमने रन चालू कर दिया, ठीक है ना। मतलब कि एड को एक्टिव कर दिए और यहाँ पे कुछ एड को भी बंद रखे हुए हैं, ठीक है ना। एक एड बंद रखे हुए हैं, हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे अगले वीडियो में कौन सा आपको चैनल को मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद आपको एड को बंद रखना चाहिए, ठीक है ना।
तो सब कुछ बताएंगे। 30 तरह से दोस्त अपनी कहानी रही और ये सारा श्रेय आप लोग को ही जाता है। वीडियो हम नहीं बना पाते हैं क्योंकि दोस्त अगर आप सपोर्ट नहीं करते तो यहाँ तक हम पहुंच ही नहीं पाते, तो उसके लिए फिर से दोस्त आप लोगों को धन्यवाद। इसी तरह से इस भाई को आगे भी सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए दोस्त, इस तरह से अपनी कहानी रही, इस तरह से सपोर्ट बनाए रखिएगा। तब चलिए हम आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नए कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्त आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।